हे महाना तेरी नौसुरिया मुरली, हे महाना हे महाना छई मुरली बजैया, हे महाना हे महाना हे महाना। नहीं, अंतर कुछ नहीं है, खाली ये कोरोना बीमारी ने लोगों को सीमित कर दिया है, घर में बांध के रख दिया है, और वो हम सबकी भलाई के लिए ही है, तो और कुछ नहीं है। और दफ़े लोगों की भीड़ हो जाती थी घर में, बहुत सारे लोग आ जाते थे बधाई देने के लिए, है ना, लेकिन इस बार जो है सब टेलीफोन के ज़रिए से और मैसेज के ज़रिए से और फेसबुक के ज़रिए से इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग बधाई दे रहे हैं। आज कुछ स्पेशल आपकी धर्मपत्नी कुछ बना रही है आपके लिए कुछ स्पेशल? अभी तो धर्मपत्नी बताएगी कि वो क्या बना रही है, लेकिन कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सब परिवार के लोग हैं और इसमें जैसा बनता ही है। आज आपको संदेश आ गया आपको? मुझे कैसे इतना याद नहीं भैया, हजारों लोगों के आ गए सुबह से, तो मेरा फोन बंद ही नहीं हो रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी, हाँ उनका मैंने अभी देखा इसलिए मुझे याद है। और हर्ष का विषय ये भी है कि आज हमारे उत्तराखंड के गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म बार भी है, मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण नागराजा से ये अनुरोध करता हूँ कि हमेशा उनकी रक्षा करें, और जैसे उन्होंने पहाड़ की संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर एक गढ़वाल की पहचान बनाई है, ऐसा हमेशा भगवान उन्हें आशीष देता रहे कि सदा वो ऐसे ही उत्तराखंड के लिए विभिन्न गीत का निर्माण करते रहें, गाते रहें। धन्यवाद। पहले तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं अपनी तरफ से श्री नरेंद्र सिंह नेगी जो गणर रत्न है हमारे, उनको भी उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और खंडोल देवता से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायु करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, जो कि हम आने वाले समय में उनके इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम उनके गीतों को सुनकर आनंदित होते हैं, और हमेशा भगवान उनकी रक्षा करता रहे। मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार किस तरह से आप लोगों को जन्मदिन मनाया जा रहा है उनका? इस बार थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम केवल फोन के माध्यम से ये उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें काफी अब आने वाले समय में भी। चार्टर्ड विमान से जाना है।